Assalamualaikum, Namaste ji, Sat Sri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. Guys, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं इंडियन रेलवे जो है बेसिकली एक ब्रिज के ऊपर एट अ टाइम फाइव ट्रेन जो है वो चल रही हैं. सो आज का वीडियो हम देखेंगे फाइव ट्रेन एक ही ब्रिज के ऊपर एट द सेम टाइम. मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि एक टाइम पर इतनी सारी ट्रेन जो हैं वो एक ही ब्रिज के ऊपर चल रही हूँ. सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से देख सकेंगे. और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट द ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वायरल तस्वीर में रेल पुल पर एक साथ पांच ट्रेनें चल रही हैं। क्या है पूरी खबर और कहां की है ये तस्वीर, आपको विस्तार से बताएंगे. बिहार में रेलवे ने विकास की एक नई रेखा खींच दी है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. ऐसे में डेहरी के सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ पांच ट्रेनों का परिचालन कर रेलवे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया. साहनेवाल से लेकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जिसके तहत वेस्टर्न कॉरिडोर में 1504 किलोमीटर और स्टैंड कॉरिडोर में 1856 किलोमीटर का पूरा परिचालन है. ये कॉरिडोर पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार और झारखंड से होकर गुजर रहा है. बिहार के डेहरी के सोन ब्रिज पर जब एक साथ पांच लॉन्ग हॉल ट्रेनों का परिचालन हुआ तो इसके साथ ही बिहार में रेलवे ने विकास का एक नया कीर्तिमान रच दिया. बता दें कि सोन ब्रिज से एक साथ छह ट्रेनों के गुजरने की व्यवस्था की गई है, जिसका सफल ट्रायल भी कर लिया गया है. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, तमाम तकनीकी बाधा दूर करते हुए. जब एक साथ पांच लॉन्ग हॉल ट्रेनों का परिचालन हुआ तो सभी देखते रह गए. देखिए, ये जो पांच ट्रेन गुजर रही है ये अक्सर गुजरती है वहाँ से. ये ऐसा वाक्य हुआ है कि इसका एक फ़ोटो जो वायरल हुआ है उसमें ये पाँच ट्रेनें गुजरती है. इसमें से तीन IR की अपनी ब्रिज है और दो EDFC की ब्रिज है. तो ये कोइंसिडेंस था कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में पांचों ट्रेनें क्रॉस कर रही थी. इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारी जो गुड्स ट्रेन है, जो कोल बेयरिंग ट्रेन्स हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट में एक साथ हमें इवैक्यूएशन करने में मूवमेंट में बहुत आसान हो रहा है. और सिमिलरली डाउन मूवमेंट में भी हमारा एम्प्टी रेक्स को लाने के लिए ये बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि इससे हमें कैपेसिटी इन्हेंसमेंट हो रहा है इस इलाके में और गुड्स ट्रेन के मूवमेंट में बहुत एफिशिएंसी बढ़ रही है. जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा तो सुनिए क्या कुछ कहा अधिकारी ने. नेचुरली जो गुड्स मूवमेंट का जो मूवमेंट हो रहा है इससे आपको मेजरली कोल है, जिससे तो इलेक्ट्रिसिटी का फायदा होगा और क्या, इससे सारे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और इनडायरेक्टली सारे लोगों को फायदा होगा. सोन नदी पर बने पुल पर एक साथ पांच ट्रेनों का सफल परिचालन किया गया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. बता दें कि इस पुल की क्षमता जो है वो एक साथ छह ट्रेनों का भार सहन करने की. सासाराम से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार. वीडियो फाइव ट्रेन एट अ टाइम चलना बहुत बड़ी बात है और एक ब्रिज के ऊपर. बट मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बार बार फ्रंट क्यों कह रही थी, क्योंकि फ्रंट तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है. मतलब मुझे लग रहा है कि रॉन्ग ये वर्ड यूज कर रही हैं, जो कि सच कुछ भी ऐसा नहीं था.
ये है कि फाइव ट्रेन्स एट अ टाइम चलना ये बहुत बड़ी बात है, और ये आई थिंक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट्स जो हैं वो कॉरिडोर कह सकते हैं, ईस्टर्न जो है वो कह सकते हैं, लेकिन फ्रंट कॉरिडोर तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। सो वेल, आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सही कह रही हूँ या ये जो कह रही हूँ वो ठीक है। वेल, उसको अगर हम साइड पे रखें तो मैं ये कहूँगी कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक साथ मतलब इतनी सारी ट्रेन्स का चलना एक बहुत ही बड़ी मतलब कि अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए, जो है वो आपको समय भी कम लगेगा और जो है वो ज़्यादा ट्रेन्स जो है वो चल सकेंगी, चाहे वो मालगाड़ी हो जिसको हम सामान जिसमें हम लेके जाते हैं, और या फिर नॉर्मल ट्रेन हो, तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा लाइन होती है उतनी ज़्यादा आपको सुविधाएं होती हैं आगे पीछे जाने में। और आई थिंक ये बिहार में ही बनाया गया है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बिहार में ही बनाया गया है। तो खैर, इसके बारे में आपने क्या कहना है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी ब्रिज मतलब पानी के अंदर एक टाइम पे एक ट्रेन चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के ब्रिज बनाए गए तभी तो इतनी ज़्यादा वजन जो है वो बर्दाश्त कर पा रही है। तो खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यार आजकल ना कराची में बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है, मतलब कि नॉर्मल हो रहा है, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, तो मौसम की वजह से ना थोड़ा सुस्ती सुस्ती सी भी हो रही है, दिल कह रहा है सो जाऊँ बस नींद करूँ ऐसे वाला ना सो जाऊँ। तो खैर, आपको मेरी आई से भी लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि बे तुके नाम में सोना नहीं चाहिए। खैर, ये तो मेरी थोड़ी बहुत चपलियाँ हो जाती हैं, तो कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आप लोगों के अगर एरिया में भी बारिश हो रही है तो ज़रूर बताओ। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो। लेकिन एक बार मैं बताऊँ, इंडियन रेलवे ना अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी और आने वाले वक्त में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगी, मुझे उम्मीद है इंडियन ट्रेन के ऊपर, रेलवे के ऊपर। तो बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में कि इंडियन रेलवे और कितनी इम्प्रूवमेंट करती है, क्या क्या चीज़ें हमें न्यूज़ देखने को मिलती हैं। और यस, लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।